एस्परा जेम्स एंजेलर्स ने दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री के लिए मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क से हाथ मिलाया, जिसको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने लॉन्च किया। डी बियर्स फॉर एवर मार्क के जनरल मैनेजर अमित प्रतिहारी ने कहा कि हीरो को दुनिया में सबसे सावधानी से चुने गए हैं और एस्परा जेम्स एंजेलर्स अपनी पारदर्शिता, विश्वास और क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। यह गोरखपुर में लॉन्च करने के लिए हमें एस्परा जेम्स एंजेलर्स के साथ हाथ मिलाकर गर्व महसूस हो रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने बताया कि जनपद में ब्रांड लॉन्च करने के लिए एस्परा जेम्स एंजेलर्स और डी बियर्स फॉर एवर मार्क के साथ आना एक वास्तव में सम्मान की बात है। मुझे डी बियर्स फॉर एवर मार्क की ज्वेलरी पहनना एक स्पेशल फीलिंग दे रहा है। प्रत्येक डी बियर्स फॉर एवर मार्क हीरा एक यूनिक आईडी के साथ आता है। एस्परा के ग्राहकों के पास आने वाले त्योहारी सीजन में अपने विश्वसनीय ब्रांड से चुनने के लिए डायमंड ज्वेलरी की एक विस्तृत श्रृंखला होगी। इस अवसर पर एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स के चेयरमैन अतुल सर्राफ, डायरेक्टर अनुप सर्राफ सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एस्परा जेम्स एंड ज्वेलर्स के डायरेक्टर अनुप सर्राफ एवं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने कहा, and that is talking a lot about the, you know, how the total city is made up to. And in fact, pura itna acha feel, I think kafi barish bhi ho rahi hai, to mausam bhi acha hai, sab mood bhi acha hai. And abhi Diwali aage hai, and the whole festivity is ahead. Welcome, sir. Thank you, and hamare sabhi media भाइयों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर दिस ब्यूटिफुल इवेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ टीवीएस फॉरएवर मार्क ज्वेलरी एट आवर स्टोर। और मैं अमित जी जो जनरल मैनेजर हैं टीवीएस के इंडिया के, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने स्टोर पे। और मैं बहुत ही आज गर्व और खुशी दोनों बहुत महसूस कर रहा हूँ इतने बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर के। और ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ में इनका बहुत सहयोग रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग भी बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वैसे भी डी बियर्स ग्रुप बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है अपने प्रोडक्ट को लेकर के। तो एक ये जेन्युइन, जिसको कहा जाए एक रेयर ब्यूटिफुल पीस और डायमंड, जिसको आप बोल सकते हैं, अब वो हमारे स्टोर पे उपलब्ध रहेगा। और ये बहुत ही एक अफोर्डेबल रेंज से स्टार्ट होता है, तो हम लोग बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि ये बहुत ही अनअफोर्डेबल है या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट और एक रीजनेबल रेंज में उपलब्ध है। तो जो आदमी एक गोल्ड की ज्वेलरी सोच सकता है, उस रेंज से ये स्टार्ट हो जाता है। तो और हम लोग को बहुत गर्व है कि हम लोगों को डी बियर्स के साथ फॉर एवर मार्क के बहाने जुड़ने का एक मौका मिल रहा है। डी बियर्स के साथ जुड़ना खुद में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डी बियर्स संसार की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है डायमंड की, जो कि डायमंड की माइनिंग कर रहा है। और दूसरी बात कि एथिकल वे में माइनिंग करते हैं ये लोग, और एथिकल वे में और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। तो आप ये समझिए कि डायमंड, एक डायमंड को बनने में लाखों साल लगते हैं, उस लाखों साल में से अच्छे हीरे को चुनना और उसमें से 100 पीस में एक पीस को सेलेक्ट करना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और वो एक पीस होता है फॉर एवर मार्क। तो ये बहुत हमें गर्व है कि फॉर एवर मार्क हम लोग को रखने को मिला। और मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ अमित जी को कि जिस विश्वास के साथ आपने हम लोग को जोड़ा है, आपके विश्वास पर हम लोग पूरी तरह सही करेंगे। और बहुत एथिकल वे में बहुत जल्दी पहुंचाएंगे, न केवल डायमंड देंगे, कस्टमर्स को अवेयर करेंगे कि वो एथिकल डायमंड लें, और कहीं से भी लें तो एथिकल और नेचुरल डायमंड ही परचेज करें। Welcome home. Welcome, mom. How are you? Hello.
आगे वाला थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा जा। I'm very well, thank you. How are you? पीछे बैठिए भैया। What does a DBS forever mark diamond mean to you? To me, I'd start with them being natural and pure. It symbolizes beauty. It's they're beautiful, they're rare, they are naturally sourced, and it is something that every woman would want to own and you know have a piece for themselves. Next, we'd like to ask you, as you know, De Beers focuses on ethical, sustainable practices to protect natural world. Can you share anything you do, both small little things like you know saving water, making sure that you know whether you brush or you shower, you don't waste water by doing that. Electricity, I'm big on electricity, and it's noise pollution, whether it's not honking so much on the roads, whether it's saving electricity and water, yeah, all that. That's great. Hope our guests will learn a lot more from you. Moving forward, Divya's Forever Mark aims to create jewelries which symbolizes special moments in your life. Would like to know how you will style these jewelry. Okay, so I'm going to give you an occasion and you need to select which jewelry you would wear for each. So first of all, we'll be starting out brunch with friends. Brunch with friends. I go with a couple of rings, maybe these simple rings. Which are stunning, by the way. It's a beautiful choice. Rings, and if I was going. That's this one? Okay, this also. So those two, yeah. Those two with like a nice dress for us. Jewelry design inspired by, you know, that one ripple can have money, you know, money impact. So he celebrates the boldness, the beauty of the moon, and everything good what you bring into this earth and what we do good all about. So that's what we do every day. It contributes a lot into making, whether it's education, whether it's taking care of home, whether it's just having a point of view and having that freedom to choose responsibly. And this shows all those possibilities to me, for me. So I think I feel pretty confident wearing it on my neck. And like you said, one it also shows like how one wave, one ripple can start a wave. Look at the table of the diamond. हर टेबल पे एक फॉरएवर मार्क का आइकॉन होता है एंड उस आइकॉन में बेसिकली एक यूनिक नंबर व्हिच इज देयर और हर हीरे में ये यूनिक है कोई एक दो हीरा एक बराबर के नहीं हो सकते तो एवरी डायमंड इज अ यूनिक डायमंड सो ईच डायमंड विल हैव दैट यूनिक नंबर दैट इज द एश्योरेंस फ्रॉम साइड 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 डी बियर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है और वर्ल्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है हीरे का जितना भी है वो डी बियर्स द्वारा होता है. इनकी एक ज्वेलरी है फॉरएवर मार्क के नाम से जिन्होंने आज हमारे साथ मिल करके हमारे कोलैबोरेशन में गोरखपुर में लॉन्च किया है. ये सारी सर्टिफाइड ज्वेलरी है. हर एक हीरे के ऊपर चाहे छोटा हीरा हो चाहे बड़ा हीरा हो इनका एक यूनिक नंबर इंस्क्राइब किया हुआ रहता है और वही यूनिक नंबर इनके सर्टिफिकेट पे भी होता है. और दुनिया में जितने हीरे बनते हैं मात्र 1% ऐसा हीरा होता है जो कि इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिफाई करता है जिस पे हीरे की कटिंग को और भी चीज़ों को इन लोगों जो इनके पैरामीटर्स हैं उस पर मात्र 1% हीरा ऐसा है जो कि फॉरएवर मार्क की क्वालिटी को मीट करता है. तो मुझे काफ़ी खुशी है कि एक ये अच्छा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अब हमारे साथ भी अब टाई अप हुआ है और ये आभूषण अब हमारे यहाँ भी उपलब्ध होंगे ग्राहकों के लिए. जैसे ये सारे प्रोडक्ट्स अभी तक मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध होते थे और यहाँ के लोगों के लिए हर बार संभव नहीं था कि बाहर जा कर के ख़रीदारी करें. अब वही चीज़ जब उसी गारंटी की हमारे यहाँ मिलने लगेगी तो गोरखपुर वालों के लिए एक नया प्रोडक्ट उनके कलेक्शन में ऐड होने की संभावना बढ़ जाएगी जिसके लिए शायद वो बाहर जा कर के ही खरीद सकते थे अब गोरखपुर में भी उपलब्ध हो जाएगा.
जी मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि हीरा कभी ये ना सोचें कि बहुत महंगा या अनअफोर्डेबल है। आजकल जिस टेक्नोलॉजी से ज्वेलरी बनने लगी है और जिस प्रकार से हीरे की सेटिंग होने लगी है, आपको देखने में लगेगा नहीं कि ये हीरे की अंगूठी इतने कम दाम में भी मिल सकती है या हीरे का सामान इस रेंज में भी मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, फॉरएवर मार्क मात्र 20,000 रुपये से स्टार्टिंग है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अनअफोर्डेबल रेंज है। आज सोने की भी छोटी सी अंगूठी आदमी लेने जाता है 3-4 ग्राम की, तो उसकी कीमत भी लगभग 15,000 से 20,000 हो जाती है। मैं पहले तो सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बोथ डिबियर्स फॉर एवर मार्क एंड ऐश्वर्या ज्वेलरी, कि वो दोनों साथ में आकर एक साथ मिलकर कुछ स्पेशली यहाँ आज गोरखपुर में अपने कस्टमर्स के लिए कुछ अलग लेकर आए हैं, कुछ बहुत सुंदर लेकर आए हैं। तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और मुझे आई एम श्योर कि आगे जाके भी वो लोग सुंदर सुंदर ज्वेलरियाँ बनाएंगे और उनके कस्टमर्स बहुत खुश होंगे। तो 5 साल से 6 साल से वेट कर रही हूँ आई गेस इस फिल्म के आने का, और फाइनली कल रिलीज़ हो रही है। सबसे निवेदन करना चाहूँगी इनफैक्ट कि सब जाके देखें, बहुत ही मेहनत ब्लड एंड स्वेट से पिछले 5-6 सालों से बन रही है ये फिल्म लिटरली। सो कल फाइनली वो डे आ गया है, एंड फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी, ऑल एक्साइटेड, नर्वस, एवरीथिंग। जो मुझे एक्चुअली इन्होंने मुझे 3-4 ज्वेलरी दिखाई थी, उसमें से मुझे ये सबसे अच्छे लगे। मुझे इनकी एक बहुत अच्छी बात लगती है कि बहुत डेलिकेट है, तो चाहे आप यू नो आप उनको गाउन्स के साथ भी पहन सकते हैं, किसी फॉर्मल इवेंट के लिए पहन सकते हैं, नॉर्मल डे के लिए भी पहन सकते हैं। जैसे अगर मैं पहनना चाहूँ तो आई कैन टीम दिस अप विद समथिंग वेरी कैजुअल ऑल्सो, सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस ब्रांड। सही गलत की बात नहीं है। और एक और बात, गोल्ड भी का, गोल्ड बहुत एक्सपेंसिव है, क्या बात कर रहे हो आप। बट वही होता है कि आप जब गोल्ड या डायमंड खरीदते हैं तो किसी ओकेशन के लिए खरीदते हैं, आप रोज़ रोज़ जाके ज्वेलरी नहीं खरीदते। तो जिस तरह से कलेक्ट करके लोग सोना खरीदते हैं, आई एम श्योर उसी तरह से डायमंड्स भी खरीद सकते हैं। एक देखिए प्रेफरेंस और पर्सनल चॉइस की भी बात होती है कि आपको क्या पसंद है ज़्यादा, गोल्ड या डायमंड। अब मेरे को पूछेंगे तो मैं डिसाइड नहीं कर सकती, मुझे दोनों पसंद है। और यू नो ड्रेस के साथ या ओकेशन के साथ, जैसे अगर मैं किसी फैमिली वेडिंग पे जाऊंगी या यू नो होली दिवाली होगी, तो मुझे उसके लिए गोल्ड ज़्यादा पसंद है। और किसी और ओकेजन के लिए व्हेन आई हैव टू डू लाइक एन इवेंट और अ रेड कार्पेट, देन आई प्रेफर डायमंड्स। सो उसी तरह से सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस और चॉइसेस होती है। जब उनको किसी को अगर गोल्ड खरीदना होगा तो वो पक्का खरीदेंगे, किसी को जब डायमंड्स खरीदना होगा वो भी जाएंगे। दिव्यस फॉरएवर मां।